हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करती हूँ आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना रियलिस्टिक मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करूंगी और साथ ही साथ कुछ विंटर स्पेशल रेसिपीज एंड मेरे किचन में कुछ नए अपग्रेड हुए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मेरी मॉर्निंग थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है बिकॉज आज केशु सुबह जल्दी उठ गया था, फिर उसको सुलाते सुलाते वापस काफ़ी लेट हो गया। बट चलिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है और यहाँ पे आज ब्रेकफास्ट में बनने वाले हैं शक्करकंदी के पराठे। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, एक वीडियो में मैंने पहले भी शक्करकंदी आपको दिखाई थी, तो किसी ने पूछा था ये ऑरेंज क्यों है। तो यहाँ पे ना इसी टाइप की शक्करकंदी आती है, मैंने इसे कल ही बॉईल करके रख लिया था। इसमें मैंने आटा ऐड किया, थोड़े से बेसिक से मसाले जैसे नमक, थोड़ा सा हींग, जीरा, अजवाइन और बस उसको मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता और हरी मिर्च ऐड कर दी और उसके बाद गूंद लिया है। और गूंदने के बाद इसके करारे करारे पराठे आप रेडी करो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। वैसे तो घर वाले शक्करकंदी खाना पसंद ज़्यादा नहीं करते हैं, बट इस तरीके से आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, काफ़ी फाइबरस होती है। तो यहाँ पे मैंने पराठे बना के रेडी कर लिए हैं और ये चाय भी रेडी हो गई है। और आज सुबह काफ़ी हड़बड़ी में चाय बन रही थी तो बॉयल होते होते चाय निकल भी गई थी। और हाँ, काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप मैं चाय कैसे बनाती हूँ, तो जब चाय एक बार अच्छे से उबल जाती है ना, उसके बाद मैं इसके अंदर गुड़ ऐड करती हूँ, चीनी नहीं लेती हूँ मैं अपनी चाय में। और ये देखिए, मैंने गोविंद का लंच बॉक्स भी पैक कर दिया है, एक पराठा पैक किया है, साथ में थोड़े गोल्ड फिश और नींबू के अचार की चटनी पैक की है, और यहाँ पर मैंने कुछ ग्रेप्स उसके लिए पैक कर दिए हैं। आज काफी ज्यादा फॉगी मॉर्निंग है। लव यू। अरे सब खुला है। गोविंद को स्कूल ड्रॉप करने के बाद अब मैं और पेशू अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। हम लोगों का मॉर्निंग रूटीन ना अंशुल के मॉर्निंग रूटीन के साथ एडजस्ट हो जाता है, बिकॉज कुछ दिन वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कुछ दिन वो ऑफिस जाते हैं। तो जिस दिन वो ऑफिस जाता है ना, मेरी मॉर्निंग इसी तरीके से क्लॉटिक होती है, क्योंकि दोनों बच्चों की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही होती है, दोनों को उठा के शावर वगैरह कराना, खुद रेडी होना, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह भी कराना। तो इसीलिए आज मुझे लगा कि मैं अपने आप को एक बार फिर से चैलेंज करके देखती हूँ, क्योंकि जब वो होते हैं घर पर तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर हो जाती हैं, वो भी काफ़ी हेल्प कर देते हैं, तो चीज़ें ईजिली मैनेज हो जाती हैं। बट मैंने सोचा कि आज मैं इसी क्लास के बीच में रिकॉर्डिंग भी करके देखती हूँ कि मैं कर पाती हूँ या नहीं। तो बस यहाँ पे अभी मैं अपनी चाय लेकर आई हूँ, पराठा लेकर आई हूँ, साथ साथ केशु को भी खिलाने की कोशिश करूँगी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब इसे मैंने थोड़ा सा पेंसिल्स, इसको बहुत शौक है पेंसिल्स के साथ खेलना, क्योंकि गोविंद यूज़ करता है ना, तो उसको भी लगा रहता है कि मैं भी वही चीज़ यूज़ करूँ जो भैया यूज़ करता है। तो यहाँ पे वो शार्पनर लेके कोशिश कर रहा था कि शार्पन करे, और अब मैं अपने घर की क्लीनिंग करूंगी। तो आज पूरा घर मैसी है। आप रात में कितना भी सही करके घर सो, बट मॉर्निंग में ना फिर से वापस से बच्चे आधे एक घंटे में पूरी काया पलट कर देते हैं घर की, सारा डाइनिंग टेबल क्लटर कर देते हैं, हर तरफ सामान सामान कर देते हैं। तो मैंने सोचा पहले इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सेट करती हूँ। और आज मुझे थोड़ी लॉन्ड्री भी करनी थी, क्योंकि हम लोग वीकेंड पे घर पे नहीं थे, हम लोग ट्रिप पे गए थे, तो थोड़े बहुत ट्रिप के कपड़े भी थे, तो सोचा एक बार सबको वॉश कर देती हूँ। एंड दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग केशु के रूटीन के बारे में पूछते हैं, तो केशु ना अब मॉर्निंग में सिर्फ एक ही नैप लेता है 1.5 से 2 घंटे की, और पूरा दिन वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। एंड कुछ टाइम तो ऐसा भी होता है कि वो मेरे पास आके चिपकता है, मुझे काम भी नहीं करने देता। सो टुडे वाज वन ऑफ द डे वो बिल्कुल भी मेरे को काम नहीं करने दे रहा था, और अभी 11:30 बज गए हैं, अभी बहुत मुश्किल से वो सोया है। तो मैंने सोचा अपने किचन के थोड़े काम खत्म करती हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जैसी आपकी मॉर्निंग स्टार्ट होती है ना, वैसे ही आपका पूरा दिन चलता है। तो आज मेरी मॉर्निंग क्लॉटिक थी, इसीलिए पूरा दिन बिजी बिजी क्लॉस में ही निकलेगा। अदरवाइज अगर आप पीसफुली थोड़ा जल्दी बच्चों से उठने से पहले आप उठ जाओ, काम अपने थोड़े से ख़त्म कर लो, तो आपका बहुत आराम से पूरा दिन निकल जाता है। खैर एनीवेज, यहाँ पे मैं अपना फ्रूट कट कर रही हूँ, बिकॉज अपनी मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं अपना
अनार खाऊंगी, और इस बार हम फार्म से एप्पल लेकर आए थे, बैठ के पहले मैं अपना फ्रूट इंजॉय करूंगी, उसके बाद बाकी के काम करूंगी। तो आगे बढ़ते हैं व्लॉग में, आपको दिखाती हूँ मेरे किचन में एक मेजर अपग्रेड हुआ है। वी गॉट दिस हेक्स क्लैड, वी रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद हेक्स क्लैड एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू बिकॉज आपकी वजह से मुझे इतने अमेजिंग कोलैबोरेशंस मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये हेक्स क्लैड का 12 इंच का वॉक दिखाती हूँ, इसको अनबॉक्स करती हूँ आपके साथ। आई वॉज रियली एक्साइटेड व्हेन आई रिसीव दिस, तो मैंने सोचा है इसको अनबॉक्स आप लोगों के साथ ही करूंगी। जब आप इसे अनबॉक्स करेंगे ना, तब आपको फील होगा कि कितना अच्छा एक कुकवेयर आपने परचेज किया है। सबसे पहले तो आप इसको डस्ट बैग में से निकालते हैं। ये एक हाइब्रिड क्वालिटी का कुकवेयर है, आप कह सकते हैं स्टील का नॉनस्टिक कोटिंग का बना हुआ है। स्टिल इसमें नॉनस्टिक के जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं ना वो नहीं है, तो आप इसमें जो लोहे का वूल होता है उससे भी आप इसे क्लीन कर सकते हैं, लोहे की कड़छी आप इसके अंदर चला सकते हैं, लाइफ टाइम वारंटी के साथ ही आता है। ये 12 इंच का वॉक है, साथ में इसके लिड भी मैंने ली है। एंड सेकंड जो मैंने कुकवेयर लिया है वो है ये ग्रिडल, ये 12 इंच की है, ये तवा बहुत अमेजिंग है, इसमें कुछ भी नहीं चिपकता, ये नॉनस्टिक कोटिंग नहीं है और इसके हैंडल्स भी काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी एंड होल्ड करने में आपको फील होगा कि काफ़ी हेवी बॉटम के अच्छे वाले कुकवेयर्स हैं ये। और इनके जो हैंडल्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते, ये ओवन सेफ हैं, डिश वॉशर सेफ हैं। एंड दिस इज़ द थर्ड कुकवेयर दैट आई गॉट, दिस इज़ 8 क्वार्ट्स का ये पॉट है, काफ़ी अच्छा हैवी बॉटम का है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं इसमें खीर वगैरह बनाती हूँ, हलवा बनाती हूँ, तो वो कैसा बनेगा। एंड इसको जब आप यूज़ करते हैं ना तो सारे आपको केयर इंस्ट्रक्शंस साथ में आते हैं, तो फर्स्ट टाइम आप इसको अच्छे से पानी एंड सोप से वॉश करके थोड़े से ऑयल के साथ सीजन कर लीजिए एंड ये एज इट इज़ लाइफ टाइम आपके साथ चलेंगे एंड इसके साथ लाइफ टाइम वारंटी भी आती है। तो ये 3 कुकवेयर्स हैं जो मुझे हेक्स क्लैड की तरफ से रिसीव हुए हैं, आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू यूज देम इन माय अपकमिंग वीडियोस। तो ये जो पॉट है ये तो मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, मैंने सोचा आज राजमा बना रही हूँ तो इसकी ग्रेवी मैं इसी के अंदर बनाती हूँ। एंड साइज़ भी एकदम परफेक्ट है फॉर अ फैमिली ऑफ 4 to 8, आप इसमें इजीली कुक कर सकते हो, काफ़ी अच्छे साइज़ के बर्तन हैं ये। तो यहाँ पे बस मैंने टमाटर की ग्रेवी बनाई है राजमा के लिए, और राजमा भी बॉयल हो गए थे तो वो भी डाल दिए हैं, गार्निश कर लिया है थोड़ा सा धनिया पत्ता के साथ, और ये मेरा लंच रेडी हो गया। आज आप लोगों को डाइनिंग टेबल का सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा। एक्चुअली जब से हम इस घर में मूव हुए ना तो डाइनिंग टेबल उस दूसरे वाले सेटअप में थी, तो मुझे लग रहा था कि यार थोड़ा कुछ चेंज करूं, क्या चेंज करूं जिससे कि डिफरेंट सा लगे। तो हमने थोड़ा सा डाइनिंग टेबल का सेटअप चेंज किया, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, अच्छा लगता है घर में। एज सच मुझे लगता था कि इस वाले सेटअप में ना स्पेस सेविंग नहीं होगी, मतलब ऐसा लगेगा कि काफी भर भर सा गया लिविंग रूम, बट ऐसा नहीं है, काफी अच्छे से स्पेस सेविंग भी हो रही है और अच्छे से मैनेज हो गई डाइनिंग टेबल। तो थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़े दिन के लिए वापस से फिर अपने पुराने सेटअप में आ जाएंगे अगर ये वाला नहीं अच्छा लगा तो। और दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, पता नहीं क्यों मुझे आप लोगों को थैंक यू करने का मन कर रहा है, फॉर ट्रस्टिंग इन मी, फॉर लाइकिंग माई वर्क, फॉर अप्रिशिएटिंग माई वर्क। मुझे बहुत आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट्स रिसीव हुए थे उस वाली वीडियो पे जहां पे मैंने अपने दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर की थी। काफी सारे लोगों ने लिखा कि प्रिया अभी एक्चुअली हम उस पॉइंट पे थे जब कोई एक डिफिकल्ट टाइम या सिचुएशन हमारे साथ चल रही थी, एंड देन योर वीडियो कम्स एंड दैट गिव्स यू मोटिवेशन एंड वॉट नॉट। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे काम को अप्रिशिएट करते हो। सबको अच्छा लगता है यार, कोई आप काम करते हो, मेहनत करते हो और वो किसी कोई उसको अप्रिशिएट करे तो हर इंसान को खुशी मिलती है, राइट। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से मुझे इतने प्यारे प्यारे ब्रांड कोलैबोरेशन मिलते हैं। मुझे हेक्स क्लैड के साथ कोलैबोरेट करके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, इनके पॉट्स एंड पैन्स बहुत अमेजिंग है एकदम। जब मैंने इन्हें अनबॉक्स किया ना तो इनकी क्वालिटी एकदम हाथ लगा के फील होती है कि आप एक डस्ट बैग में से बर्तन को निकाल रहे हो। हाँ थोड़ी एक्सपेंसिव रेंज है बट दे आर वर्थ इट। ये मेरे पास 3 नए बर्तन हो गए इस बार दिवाली के लिए, और ये देखो ये ना बैठ नहीं रहा था, एक्चुअली कैमरा खींच रहा था तो मैंने इसे एक नमक पारा ला के दिया था और इसने क्या हालत मचाई है आजकल ना, ये बहुत ज्यादा नॉटी हो गया है, मतलब पूरा घर मेसअप करके रखता है, कितना ही आप उसको संभालने की कोशिश करो वापस से वो वैसा ही हो जाता है। और अभी एक मॉन्स्टर स्कूल में है तो उसके आने का भी टाइम हो गया, दोनों मिलके तो घर की हालत खराब कर देते हैं रात तक। दोस्तों एक कंफ्यूजन जो बहुत बड़ी अभी चल रही है ये कि करवा चौथ मनाए कब, आधे लोग 12 को बोल रहे हैं, आधे लोग 13 को बोल रहे हैं। तो कुछ लोग 12 को सेलिब्रेट
करने वाले हैं, कुछ लोग शायद 13th को ही करेंगे। यहाँ पे इनफैक्ट आई गेस मंदिरों में पंडित जी 12 तारीख को पूजा कराएंगे, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आया था कि पंडित जी बोल रहे हैं कि 12 तारीख को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में पूजा करवाएंगे वो। बट मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स 13th को ही सेलिब्रेट करेंगे एंड कल हम लोग मेहंदी लगाने वाले हैं। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। मैंने करवा चौथ के लिए, दिवाली के लिए कुछ ज्वेलरी भी लिया अपने लिए, वो मैं आपके साथ ना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी एंड करवा चौथ लुक बुक शेयर करूंगी शॉर्ट्स के थ्रू। सो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जिससे कि आप सारे फोटोज एंड रील्स वगैरह देखते रहो। एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू सी यू एज वेल, तो अपने पिक्चर्स भी मेरे साथ शेयर करना जरूर जरूर। सो दोस्तों अब शाम हो चली है, गोविंद अपने स्कूल से आया, उसके बाद उसके स्कूल की बहुत सारी बातें होती हैं वो सब की। और ना मैंने कुछ टाइम पहले ये मंडला आर्ट निकाल के रखी थी, सोचा था गोविंद के साथ मैं ये करूंगी। एक्चुअली ना वो आजकल स्कूल में माइंडफुलनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब आप मंडला आर्ट करते हो ना यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड एंड माइंडफुलनेस आपको इसमें फील करनी पड़ती है। तो मुझे लगा कि जब वो स्कूल में पढ़ ही रहे हैं तो उसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिस भी करेंगे घर पे, एंड बच्चों के साथ इस टाइप की कोई एक्टिविटी करो ना, उनको एंगेज करो, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज द फर्स्ट मंडला आर्ट दैट वी डिड टुगेदर। उसके बाद हमने डिनर किया, आज डिनर में राजमा चावल था तो हम चारों ने बस डिनर किया। और अब हम आ गए हैं पार्क में, अब कुछ ही दिन बचे हैं जब बच्चे बाहर पार्क में खेलेंगे। ठंडा ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, फॉल स्टार्ट हो गया है, ऑल अराउंड फॉल कलर्स आ चुके हैं। गोविंद को अपने फ्रेंड्स मिल जाते हैं पार्क में खेलने के लिए, केशु के साथ मैं और अंशुल मिलके खेलते हैं, काफी मजा आता है बच्चों के साथ जब बच्चे बनके खेलते हैं। और इसी बहाने हमारी भी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है, हम भी थोड़ा वॉक कर लेते हैं। और आप में से कोई मुझे पूछ भी रहा था कि प्रिया आप कोई फेशियल वगैरह लेते हो क्या, तो नो दोस्तों मैंने कोई फेशियल नहीं लिया है। मैं आजकल ना अच्छे अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करती हूँ, जिससे कि शायद मेरी स्किन थोड़ी सी अच्छी बिहेव कर रही है। ये मेरे नाइट के स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, और ये मैंने ना रिसेंटली फेशियल ब्रश भी लिया है अच्छे से अपने फेस को क्लेंस करने के लिए। मे बी बिकॉज ऑफ दिस आपको थोड़ा सा चेंज लग रहा हो मेरी स्किन में। एंड इन फॉल कलर्स के थ्रू आपको क्या सीखने को मिलता है, द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। चाहे वो आपकी स्किन हो, चाहे वो आपके बाल हो, चाहे वो किसी का एटीट्यूड हो आपकी तरफ, द ओनली थिंग दैट इज permanent in this world is change. तो accept the change. अब धीरे धीरे करके aging होगी, हमारे face पे झुर्रियाँ भी पड़ेंगी, but whatever it is just beautiful. So इसी beautiful thought के साथ आज की वीडियो को मैं यहाँ पे end करती हूँ। Hope करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सी यू अगेन विद नेक्स्ट फेस्टिव ब्लॉग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सी यू इन कॉमेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।